नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मौसम विभाग से रिलेटेड किसी भी राज्य किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है दोस्तों, हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लेके आते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले अगले 24 से 48 घंटों में कौन कौन से राज्यों में मौसम विभाग के द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया, मतलब कौन कौन से राज्यों में तेज आंधी आने वाली, कौन कौन से राज्य है जहाँ पर तेज आंधी के साथ में तेज तूफान आने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, और कौन कौन से शहर है जहां पर अगले 24 से 48 घंटों के लिए मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, और इसी प्रकार मौसम विभाग से रिलेटेड पल पल के अपडेट पाने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर प्रकार की मौसम से जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ में दोस्तों आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हो आप जरूर कमेंट करें, ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी मौसम विभाग से रिलेटेड अपडेट आपके सबसे पहले पहुंचाते रहे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान तेज बारिश के साथ में हुई ओलावृष्टि, यहाँ पर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दोस्तों अगर पूरी बात करें तो यहाँ पे सोमवार की देर रात अचानक मौसम बदल गया और पटना सहित कई जिलों में आंधी तूफान के साथ में तेज बारिश हुई। रात की बारिश के बाद में मंगलवार की सुबह भी आसमान में बादल छाए और तेज हवा चल रही। आज भी कुछ जिलों में तेज हवा के साथ में बारिश की संभावना। इस बारे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटों में बारिश होने की संभावना। वही बारिश के साथ साथ वज्रपात ओलावृष्टि के साथ ही हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा और तेज हवा चलने की संभावना। वही बात करें तो दोस्तों यहां पर लखीमसराय सहित कुछ जिलों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की खबर आई है। 15 से 20 मिलीमीटर बारिश का अनुमान यहां पर लगाया गया। बात करें पटना सहित सूबे के कई जिलों में सोमवार को दिन में तीखी धूप के बाद देर रात अचानक मौसम में बदलाव आया और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। वही आया गया कैमूर जहानाबाद वैशाली अरवल और औरंगाबाद में भी तेज बारिश और आंधी के कारण कई पेड़ सड़कों पर गिर गए, जिससे बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई। मौसम के अचानक बदलाव के पीछे यह बात कही जा रही है कि जम्मू की ओर प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ को अचानक अनुकूल परिस्थितियां मिली है, जिससे वह दिल्ली होते हुए कैमूर तक प्रसार कर पा रहा। वही जहानाबाद जिले में सोमवार की रात करीब 12 बजे आंधी पानी से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। वही टेटा मुकदमपुर में 11,000 केवी बिजली के पोल पर पेड़ गिर गया। शहर के श्याम नगर में पेड़ गिरा, 11 जगहों पर बिजली के तार में फॉल्ट लगे। वही बात करते हैं अगले और एनसीआर दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के इलाके में आज दिन के समय अचानक मौसम ने करवट ली और यहाँ के कुछ इलाकों में मौसम का हाल या कहे मिजाज कुछ इस तरह रहा। तेज आंधी तूफान संग बारिश। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में खबर सामने आई है कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश की बौछारें गिरी। वही राजधानी दिल्ली नोएडा गाजियाबाद में कई इलाकों में भयंकर आंधी और तूफान आया। वही बात करें दिन में ही नजर आया शाम का नजारा मौसम के मिजाज के कारण, यहाँ दिन में ही शाम के जैसा नजारा देखने को मिला। वही बात करते जी हाँ, यहाँ दिन में अंधेरा छाया। दरअसल धूल भरी तेज हवाओं के कारण चारों ओर धुंध छा गई, सड़कों से लेकर आसमान तक धूल ही धूल नजर आ रही थी। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना कि आगामी दिनों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवा चल सकती है। इस दौरान यहाँ का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। बात करें के इन जिलों में दोपहर बाद में आंधी, जी हां दोस्तों, और बारिश के आसार। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक पूरे बुंदेलखंड में मंगलवार को तेज आंधी के साथ में बारिश हो सकती है। वही बुंदेलखंड के बाद में धीरे धीरे प्रभाव कौशाम्बी और प्रयागराज सोनभद्र की ओर बढ़ता दिखाई देगा। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक जिन जिलों में मंगलवार की दोपहर तक आंधी और बारिश की संभावना, वह जिले है ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा। इसके साथ ही बिगड़े मौसम का असर कानपुर, फतेहपुर और कौशाम्बी तक देखने को मिलने वाला। समय बीतने के साथ ही प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों पर भी अपना असर दिखाएगा। प्रयागराज, मिर्जापुर समेत कई जिलों में दोपहर तक बारिश का अनुमान लगाया गया। इन जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। बता दें कि बीती रात पश्चिम के तमाम जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा, कई जगहों पर आंधी और बारिश हुई, लेकिन मौसम ने अब बुंदेलखंड की ओर अपना रुख कर लिया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक तो यह सिलसिला जारी रह सकता है। पूर्वी यूपी के जिलों में भी आने वाले समय में मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ेगा और आंधी के साथ में बारिश होगी। हालांकि गनीमत की बात